पल्सर N160 एक वहाँ पर है, तो इस पर क्रैश गार्ड इंस्टॉल N1 फिटिंग है और एक नंबर का लुक आ रहा है, ब्लैक और फ्रंट स्लाइडर भी लगा है। स्कूटर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अपनी माता बहने और इस तरीके से पैर रखती हैं इस पर। ऑल ओवर इंडिया से वैसे तो आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आते रहो। तो D70 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जेन्युइन HJG मिनी ड्राइव जिस तरीके से आती है, मिनी ड्राइव का नाम है मेगा ड्राइव, लेकिन नट बोल्ट साथ में मिल जाते हैं और ये डब्बा भी सुविधा का रखने के लिए। तो ये सिमटेक का पूरा सेटअप हो गया है, तो यहाँ पर आपको एक कार्ड मिलता है, इसको भर के देते हैं, ये एक साल के अंदर कोई दिक्कत होती है तो ये पूरा चेंज करके दिया जाएगा। ये LED बल्ब है, इसमें भी आपको कार्ड वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। साथ 3 साल के अंदर कभी भी कोई दिक्कत आती है हमारे बुक मार्केट ले जाना है, से लेके डिस्प्ले तक आपका फ्रंट का सारा एरिया सेव करते हैं। ये छोटा सा चीज़ डिज़ाइन ये वाला है, डिज़ाइन ये वाला जो चाबी ऑन करते हैं ब्लू हो जाते हैं, चाहिए तो ये बैक रेस्ट है जो कि। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस, मैं हूं कोस्ट आपका दोस्त, मैं ले आपके लिए एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर। मेरा नाम है राजू। तो आज जो वीडियो है वो कौन सी बाइक की है और क्या है यूनिक? पल्सर N160 की वीडियोस लेकर आए हैं और इसमें जो यूनिक डिफरेंट है वो है टॉप रैक और बैक रैक और लेटेस्ट क्रैश गार्ड जो प्रॉपर फिटिंग वाला है। एक्सेसरीज आपको दिखा देंगे, पहले आपको दिखा दें हम इस समय खड़े कहाँ पर हैं और ये जगह जब आप आओगे तो वो कैसी दिखेगी। देखो ये है SKD का बोर्ड, ये है अपनी शॉप और ये आसपास का एरिया आप देख सकते हो। सामने बालाजी की मूर्ति, हनुमान जी की, साउथर्न होटल, पब्लिक कन्वेंस, इसके सामने पब्लिक कन्वेंस, SKD। अब आते हैं मुद्दे पे, तो मुद्दा ये है कि यहाँ है अपने सामने एक पल्सर N160, सेम वर्क आप 250 में भी करा सकते हो, इसमें भी हो रहा है, ठीक है, एक वहाँ पर है। तो इसमें जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ पर क्रैश गार्ड इंस्टॉल हो चुका है, अभी प्रॉपर नहीं है, इसमें स्लाइडर वगैरह लगेंगे, दो जेन्युइन फिटिंग है और एक नंबर का लुक आ रहा है, ब्लैक कॉन्सेप्ट पे ब्लैक बाइक है तो इसका जो लुक है वो अलग लेवल पे। यहाँ पर फ्रंट स्लाइडर भी लगाया जा रहा है, PPF लेमिनेशन की जा रही है और जी क्या क्या चीज़ें इसमें उठाओ। लेडीज़ स्कूटर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अपनी माता बहने और इस तरीके से पैर रखती हैं इस पर। ये देखो इनके लिए आ गया इंडिकेटर बल्ब, हजार्ड सिस्टम, तो ये हो गया, साथ ही में हैंड गार्ड। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें फॉग लाइट वगैरह भी इंस्टॉल की जा रही है, यहाँ पर स्विच लगा दिया फॉग लाइट का, इससे देख के मुझे पता चल गया। और एक यहाँ पर N160 है, इसमें सेम, ये दोनों अलग अलग जगह से आई हुई हैं। ये गाजियाबाद से ही है, ये गाजियाबाद की है, ये रहे गाजियाबाद। इधर कैसे आए भाई साहब, थोड़ा सा आ जाओ बताओ। हाँ मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, ठीक है। आपने इससे पहले एक यही वाली सेम मॉडल की N160 जो मैंने लास्ट में डाली थी, पसंद आई आपको? लगी थी जब मैं आप वीडियो देख के यहीं पे आया। कहाँ से बता रहे थे आप? गाजियाबाद से। ऑल ओवर इंडिया से वैसे तो आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आते रहो। बाकी नंबर वगैरह स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें बताना जरा क्या राजू भाई, इसमें आपके आई डिजाइनिंग है और इंडिकेटर बल्ब है, हैजार्ड सिस्टम है, क्रैश गार्ड टॉप रैक, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूनिक है, जैसे कि हैंड गार्ड डिफॉल्ट आना भैया। ये हैंड गार्ड जो है अभी गाइस क्या है, यहाँ थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, संडे का दिन है तो मैं आपको इस तरीके दोहरा बनना, आपको एक चीज़ मैं अलग रख के दिखाता हूँ। तो ये हैंड गार्ड है, इसमें आपको दो मिलते हैं, चाबी ऑन पे मिलेगा आपको ब्लू, वो आप चाहो ब्रेक पे करा सकते हो, बाकी इंडिकेटर पे ऑफिशियली आपका येलो ही रहेगा और वाइजर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं इसको फाइनल पे दिखाऊंगा आपको दोनों बाइक्स को, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, तो इसे भी कंप्लीट करते हैं और इसको भी कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं फाइनल पे, है ना दोस्तों। काम तो शुरू हो ही चुका है इसमें, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, फोर्स स्लाइडर हो गया, LED बल्ब, क्रैश गार्ड, इसके अलावा लेडीज़ फुटरेस्ट और इस वाली जो है पल्सर में भी आप देख सकते हो क्रैश गार्ड वगैरह इंस्टॉल हो चुका है और भी काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक्सेसरीज और क्या क्या एक्सेसरीज में लगाने वाले हैं टोटल डिटेल में। तो यहाँ पर निकाल रखा है N160 का सामान, अगर आप लोगों के पास कोई और एडिशन है, कोई और मॉडल है पल्सर का, तो सबके लिए यहाँ पर सामान अवेलेबल है। तो ये हो गया क्रैश गार्ड जो मैंने आपको दिखाया, इस पर दो स्लाइडर लगेंगे, कलर वगैरह आप चाहो कोई भी करवा सकते हो, बाकी ये जो है ब्लैक कलर में ज़्यादा बेस्ट लगता है क्योंकि ब्लैक कलर का ही पल्सर है। सो नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों D70 हो रहा है मिंडा के जेन्युइन, इसमें कोई चलान का इशू नहीं होता, दो का सेट होता है, एक ही हो गया और एक ही हो गया। इसके अलावा काफ़ी सारी डुप्लीकेट चलती है HJG को लेके, तो यहाँ पर जेन्युइन HJG मिनी ड्राइव फॉग लैंप जो आपने काफ़ी सारी देखी होंगी, लेकिन इसमें डुप्लीकेट भी आती है तो उसके लिए आप अवेयर रहें। और ये मिनी ड्राइव से थोड़ी सी हैवी क्वालिटी की होती है, तो जिस तरीके से आती है मिनी ड्राइव, तो ये इसका नाम है मेगा ड्राइव, मिनी ड्राइव से थोड़ी सी काफ़ी अच्छी है ये, तो ये हो गई। और इसमें आपको प्रॉपर ब्लास्टर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, क्लैम वगैरह सब कुछ मिलेगी, नट बोल्ट साथ में मिल जाते हैं और ये डब्बा भी सुविधा का रखने के लिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिमटेक के LED बल्ब, सिमटेक का हजार्ड। तो ये सिमटेक का पूरा सेटअप हो गया है, सिमटेक के बल्ब हो गए, LED सिमटेक का हजार्ड हो गया। जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करते हो तो यहाँ पर आपको एक कार्ड मिलता है, इसको भर के देते हैं, इसमें कभी भी एक साल के अंदर कोई दिक्कत होती है तो ये पूरा चेंज करके दिया जाएगा। और ये आपको दिखा दूँ पूरी इस तरीके की किट आती है और प्रॉपर इसमें जो है आपके फ्यूज़ वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, स्टिकरिंग वगैरह का भी इसमें सारा चीज़ें हैं। यहाँ पर है ये LED बल्ब,
ये देख सकते हो आप, ये एलईडी बल्ब है और इसमें आपको मिलेगी 3 साल की गारंटी। सिमटेक के हैं ये जेन्युइन, इसमें भी आपको कार्ड वगैरह सब कुछ मिलेगा, भर के दिया जाएगा गारंटी के साथ। 3 साल के अंदर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे मार्केट ले जाना है। तो फोक्स लाइडर काफ़ी ट्रेंड में है आजकल, ये है, ये मैंने अपनी बाइक में लगा रखे हैं अगर आप यहाँ देखोगे तो इस तरीके से, तो ये भी लगने वाले हैं भाई। इसका वेट की बात करूँ तो अराउंड आधा किलो वेट है दोनों का मिला के। सस्पेंशन से लेकर डिस्क प्लेट तक आपका फ्रंट का सारा एरिया सेव करते हैं ये छोटा सी चीज़ फोर्क स्लाइडर। नेक्स्ट है वो है वाइजर। वाइजर भी काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं, एक डिज़ाइन ये वाला है, एक डिज़ाइन ये वाला, जो कि बाइक की जो लुक है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छे लगेंगे दोनों। जो भी अच्छा लगेगा आपको दिखाई दूंगा फाइनल पे। अब यहाँ पर ये हैंड गार्ड है जो काफ़ी लेटेस्ट है, चाबी ऑन करते ही ब्लू हो जाते हैं, चाहे आप ब्रेक कर सकते हो कनेक्शन, और इंडिकेटर पर आपके ऑब्वियसली रनिंग में है येलो। इधर बात करूंगा बैक रेस्ट की, तो ये बैक रेस्ट है जो कि लगेगा आपकी जो बैक हैंडल होता है उस पर लगेगा, और ये आपका स्विच है फॉग लाइट को कंट्रोल करने के लिए, एक स्विच है लेकिन दोनों तरह की लाइटें कंट्रोल करेंगे। अभी सारी वस्तुओं को इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ फाइनल पे कैसा लुक आता है। लास्ट में आपको ये बताना भूल गया, ये लेडीज फुट रेस्ट है तो ये लगेगा, इसकी इजी टू फिट है, काफ़ी जेन्युइन कलर वगैरह ब्लैक है जो कि आपके जो पीछे वाला जो साड़ी गार्ड होता है उससे प्रॉपर तरीके से मैच हो जाता है। इसको करता हूँ इंस्टॉल और आपको दिखाता हूँ फाइनल। तो दोस्तों यहाँ पर एक पल्सर N160 रेडी हो चुकी है, दूसरी भी आपको दिखाऊंगा, पहले इसको कर लेता हूँ कवर कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि यहाँ फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पर एक वाइजर इंस्टॉल कर रखा है रेड कलर का, जो कि आपके ये वाले ग्राफिक से मैच है, ब्लैक कलर जो ऑफिसली आपकी बाइक से मैच है, तो ये हो गया। और लुक वगैरह काफ़ी अच्छा आ रहा है, बाकी आप चाहो तो काफ़ी सारी वरायटी और भी है वाइजर की, तो वो आप करवा सकते हो। इसके अलावा हैज़ार्ड लगा रखा है, सिमटेक के LED बल्ब लगा रखे हैं, इसका फोकस आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो इस, और अभी दिन में भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। बाकी अगर आपको इसका हैज़ार्ड एक्टिवेट करना हो तो आप इसी स्विच को लेफ्ट राइट पीछे प्रेस अगर फास्ट कर दोगे ना तो इस तरीके से पैटर्न इसके चेंज होने लगेंगे, और अब आप जितनी बार आप करते हो उतनी बार इसके पैटर्न चेंज होते रहेंगे। तो ये आप देख लेना आपको कौन सा पैटर्न अच्छा लगता है, सेट भी कर देना। सेट करने के लिए सिंपली एक बार और दबा देना, इसको सेट हो जाएगा। मोबाइल होल्डर जो आपको दिखाया था वो कुछ इस तरीके से विदाउट चार्जर, आप चाहो तो चार्जिंग वाला भी ऑप्शन पे जा सकते हो। हैंड गार्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हैंड गार्ड इस पर टच हो रहे थे, क्योंकि जो हैंड गार्ड इन्होंने पसंद कर रहे थे वो इतने ज़्यादा लॉन्ग थे। बाकी अगर आपको लगवाना तो दूसरे वाले भी आते हैं वो लग जाएंगे, तो उसकी जगह पर यहाँ पर रिप्लेस में लीवर गार्ड्स लगवा दिए, जिसका बेसिकली यूज़ होता है इनके इसका भी, मान लो बाइक गिरता भी है तो क्लच और जो आपके लीवर्स वगैरह डैमेज नहीं होते, लुक भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी आता है इससे। यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर फोर्क स्लाइडर लगा रखे हैं जो कि सस्पेंशन को करता है प्रोटेक्ट, डिस्प्लेट वगैरह हो गए, जो आपका ये वाला पार्ट है ये सेफ रहेगा। कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, रेड ले सकते हो आप, गोल्डन ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, और ये ग्रे आपके सामने ही है, तो ये हो गया। बाकी आप देखते हो ये सिल्वर कलर के काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो ये क्रैश गार्ड, तो क्रैश गार्ड की फिटिंग बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि इसी के बनवाए हुए हैं, और इसके अलावा दो स्लाइडर भी आपको मिल जाते हैं इसमें, और इस एंगल से ये वाला लुक आ रहा है गाइस। जैसे कभी मान लो आप राइड करते करते थक गए हो, लॉन्ग राइड कर रहे हो, तो आप कुछ इस तरीके से पैर रख सकते हो उस पर, एक इसका ये यूज़ होता है। प्लस यहाँ से अगर देखो ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलता, सेम क्रैश गार्ड इस साइड से भी है। बाकी अगर आपकी जो हेडलाइट वगैरह है, इसकी आइज़ वगैरह को मॉडिफाइड करना चाहते हो, तो वो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, तो अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे N160 तो वो आ जाएगी ऊपर, तो उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर टॉप रैक लगा रखा है, इसकी फिटिंग देख सकते हो। बाकी आप चाहो सैडल स्टे भी लगा सकते हो, इस पर टॉप बॉक्स भी आप लगा सकते हो, डिपेंड करता है अपनी अपनी चॉइस पे। तो ये कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन आई है होने के बाद, और काफ़ी कूल लुक आ रहा है इसका गाइस। तो जी यहाँ पर जो अगली आपकी N160 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसका भी लुक जो है काफ़ी ज़्यादा गदर आ रहा है। क्रैश गार्ड इसमें अगेन सेम है, लेकिन इसमें जो फॉग लाइट मैंने आपको शुरू में दिखाई थी तो वो इसका जो है चेंज कर दिया है, उससे हैवी टू फ्यूचर आई, दो प्रोजेक्टर इस तरफ दो प्रोजेक्टर उस तरफ, बहुत ज़बरदस्त का फोकस है। मैं इसका इंग्लिश ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ओ भाई साहब। और यहाँ पर इसका स्विच है, ये रहा इसका फोकस, देख सकते हो आप। अभी इसको एडजस्ट नहीं किया है, एक आइडिया के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप इसको चाहो तो ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसमें आपको मिलेंगे दो कलर, एक मिलेगा वाइट और एक मिलेगा आपको येलो। वाइट अभी एक्टिवेट है और येलो देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सेम फोर्क स्लाइडर लगा रखे, सस्पेंशन प्रोटेक्टर हो गया, और गाइस इसकी आईज में भी यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है, ये देखो भाई इसकी आईज में भी यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है। बाकी लास्ट वीडियो में इसमें बहुत सारे जो है कलर भी चेंज किए थे, वो भी आप देखना चाहो देख सकते हो। प्रोजेक्टर रिंग में भी लगा रखे कलर, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और एक यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगा रखा है, जिसका इनकेस का ही मान लो बाइक गिरता है तो आपकी क्लच और लीवर डैमेज नहीं होती है। हज़ार सेटअप, LED बल्ब और यहाँ पर वाइजर भी आपको मिल जाता है, ये देखो। इसमें नई चीज़ ये है कि इसमें टॉप रैक लगा रखा है और साथ में बैक रेस्ट भी है, ये देखो।